स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे हाइपरबोला के ऊपर, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने दो लेक्चर देखे थे, हमने एक्सेंट्रिसिटी की मदद से भी प्रूव किया और इसके जो माइनर डिफरेंस जो होता है उसकी मदद से भी प्रूव किया, ठीक है। सारी चीज़ें हमने समझी है। अब हमने एक एग्जांपल लिए, ठीक है ना। अब ये एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक ये हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे पता चलेगी कि वो है या नहीं, ठीक है। जनरल इक्वेशन जो हम बात करते हैं, ठीक है, ये एक फिलहाल तो एक हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें ये करना है कि मैक्सिमम हमें जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूम हम हासिल कर सकते हैं वो करना है, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर दो इक्वेशन बनती है, हमारे पास बनती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बनती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। या हमारे पास होता है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ए उधर उधर नहीं जाता, सिर्फ वाई जाता है, एक्स या वाई जाता है। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब इन केस हमारे पास जो है किसी भी केस में ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, मगर इलिप्स के केस में ऐसा नहीं होता था, ठीक है, ये याद रखना आपको बात। तो अब मुझे कुछ इसकी या इस फॉर्मेट में लेके आनी है, इसकी शक्ल में लेके आनी है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास है 9x स्क्वायर प्लस ओ माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये इधर इधर डिवाइड करवा लूँगा, इधर भी डिवाइड करवाऊँगा, सही है। तो मेरे पास ये हो जाएगा 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 36, ठीक है, माइनस 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको जो है ना मैंने पता लगा लिया कि कौन सी चीज़ किसके बराबर आई है, मैं आपको दिखा रहा था, मुझे तो खैर मालूम थी। तो हमारे पास क्या है 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 36, ठीक है, और हमारे पास क्या था 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 1। तो ये इस पे डिवाइड होगा, 9 पे डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा x, और इसको भी 9 पे डिवाइड करना बचेगा तो 4 बचेगा, माइनस हमारे पास क्या ये 4 पे गिवाई, ये 4 पे गिवाई होगा तो y बचेगा, इसको भी 4 पे गिवाई करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसका मतलब है इसका रूट करेंगे तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया 4 का स्क्वायर, सॉरी 9 का, 3 का स्क्वायर, सही है। अब हमारे पास y के साथ क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, सही है। तो ये वाली इक्वेशन बनी है, और सॉरी ये वाली इक्वेशन नहीं, ये वाली, और ये एक हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें क्या करना है, मैक्सिमम चीज़ें फाइंड आउट करनी है, सिंपल ये करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल सेम टू सेम ही होती है, कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ, स्पेस बनाता हूँ यहाँ पर। अब इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास ए, तो मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं लिख दूँ तो मेरे पास आया ए इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया, और ये मेरे पास क्या है बी है, तो b is equal to 3 के बराबर आ गया, ठीक है। c की वैल्यू भी निकाल सकते हो भाई, फोकस c का लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो है c किसके बराबर हो जाएगा, a square plus b square is equal to c square के बराबर होता है, ऐसा ही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का square plus 3 का square is equal to c का square, तो ये क्या हो जाएगा 4 plus 9 इसका root is equal to c, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 13 रूट इज इक्वल टू सी। तो सी की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, हमारे पास 13, सही है। अब लेंथ ऑफ रेकस रेक्टम क्या होगी, तो लेंथ ऑफ रेकस रेक्टम हमारे पास होती है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया a, तो हमारे पास क्या आ गया 2b का स्क्वायर, हमारे पास 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, तो हमारे पास ये 2 से डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 6 के बराबर, सॉरी इज इक्वल टू 9 के बराबर आया, ठीक है। यानी अगर हमारे पास फोकस यहाँ कहीं लाई कर रहा है तो ये पूरा जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 9 के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो लेकस रेक्टम की जो लेंथ है वो क्या आई है, 9 आई है लेकस रेक्टम, सही है। या लेकस लिख देता हूँ, लेकस रेक्टम इज इक्वल टू लेकस रेक्टम पूरा नहीं लिखा मैंने, ये 9 के बराबर आया है, इस टाइम की वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास जो फोकस होंगे, हमारे को पता है ये वर्टिकल है तो इसका जो फोकस होगा वो सी किसका, एक्स होता है, यानी हमारे पास क्या होगा ये सी और ये क्या होगा जीरो, है ना।
तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ही मैं इसको एक सम, ये एग्जैक्ट तो मेरे पास ये जो ग्राफ नहीं बना हुआ, बस ऐसे आप इसको समझ लो, ये फोकस यहाँ पर होगा तो हमारे पास ये सी क्या आया है, सी हमारे पास आया है रूट 13 और वाई क्या होगा 0 होगा, सही है। और इधर हमारे पास जो होगा वो हमारे पास माइनस रूट 13 और वाई क्या होगा 0, ठीक है। ए क्या हमारे पास, अगर ए मैं इधर दिखाऊँ तो ए इज इक्वल टू 2 और ए क्या है 0, ठीक है। और इधर अगर मैं ए दिखाऊँ तो ए क्या है, ए इज इक्वल टू 2, उधर माइनस में होगा, सही है ना, ये मैं बता दूँ। तो हमारे पास क्या है 2,0 और ये क्या है माइनस 2, ठीक है। और ओरिजन आपको पता है 0,0 ही होता है, ठीक है। अब हमारे पास वो क्या होगी, एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी इसकी, ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए ई इज इक्वल टू सी के बराबर होता है ना, तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी बाय ए के, तो हमारे पास ये किसके बराबर है, सी किसके बराबर है रूट 13 के और ए किसके बराबर है 2 के। तो एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास जो आई है वो क्या आई है, ए इज इक्वल टू रूट 13 बाय 2, ठीक है। ये आ गई और क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये वाली लेंथ क्या होती है, हमें पता है ये वाली लेंथ होती है हमारे पास ए बाय ई, ये लेंथ क्या होती है ए बाय ई। तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स जो होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अभी हमारे पास वाई किसके कुछ भी हो, नीचे की तरफ हो या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, एक्स फिक्स आना है, तो एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। तो ए बाई ई क्या, ए क्या मेरे पास एक 2 है और ई क्या है मेरे पास, ई की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स वो मेरे पास आई है, ये ई की वैल्यू लिखी हुई, तो हमारे पास आ गई, डिवाइड हो रही है ना ई की वैल्यू, और तो ए बाई ई है, यानी ये वाला इसको मैं मिटाता हूँ, सही है ना। तो हमारे पास जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो क्या, वो डायरेक्ट्रिक्स जो बराबर होती है वो हमारे पास होती है ए बाय ई के प्लस माइनस में, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो ए की वैल्यू लिख ली, सही है, डिवाइडेड बाय, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो आपको समझ में आए, सही है। तो रेसिप्रोकल जैसे होगा तो एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में लिखूँगा, मेरे पास हो जाएगा 4 / 13, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास जो आई है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आई है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 / √13, ठीक है। और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सही है, डायरेक्ट्रिक्स। और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, तो ये हमारे पास क्या है 13 है, तो x का डिस्टेंस क्या है 13 है, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बनेंगे ना लेटेस्ट रेक्टम, तो हमारे पास क्या आएगा रूट 13, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमारे पास क्या होगी, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट होगी वो क्या होगी, देखिए हमारे पास सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन ऑफ हमारे पास क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, सही है। और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लिख देता हूँ यहाँ पर से, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है ना, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, रेक्टम, सही है। अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास वो जो उसका जो फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था एसिम्प्टोट का, वो क्या होता है कि हमारे पास होता है वो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वाई ए टाइम्स एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, पहले प्लस वाली देख लेते हैं, तो b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 है, और a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू हमारे पास 3 है और b a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2, ठीक है। तो हमारे पास 2 आ गया और ये क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, प्लस माइनस में कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये दोनों जो इक्वेजन आई है किसकी आई है स्टूडेंट्स, ये इक्वेजन आई है हमारे पास हमारे पास ये जो दिस इक्वेशन इज हमारे पास जो आई है ना ये उसकी आ गई है एसिम्प्टोट की, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास किसकी आ गई, एसिम्प्टोट। तो दिस रिप्रेजेंट इज इक्वेशन ऑफ क्या है, एसिम्प्टोट, ठीक है ना, एसिम्प्टोट
ASY, ठीक है, SM, तो ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, एसम कॉक्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आई होप कि हमने जो है इसके अंदर सारी चीज़ें निकाल ली। ठीक है ना, एक एसम कॉक्स लाइक इस तरह से जाएगी, ठीक है, और एक इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो हमने दोनों एसम कॉक्स निकाल ली हैं और हमने सारी चीज़ें तकरीबन निकाल ली हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ चीज़ रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।